सो गाइस मैं उठी थी, सिक्स ओ क्लॉक नहीं हुआ था, 20 मिनट्स बाकी था तब उठी थी। सो गाइस पहले नहीं, एक काम करती हूँ, मैं आपको मॉर्निंग से क्या क्या काम किया है क्या क्या है वो पहले दिखा देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइस मैं किचन में आई हूँ बर्तन धोने के लिए, लेकिन झाड़ू नहीं लगाया अभी तक, घर भी नहीं पोछा है। मैं उठी थी 6 बजने में, 20 मिनट बाकी था। सो उठ के रोटी बना के हस्बैंड को दिया, वो खा के काम पे गए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया पता है, स्नान किया मैंने, ये सब काम नहीं किया, पहले स्नान किया, उसके बाद स्नान करने के बाद अभी आई हूँ बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि झाड़ू नहीं लगा है, क्योंकि सिद्धू सो रहा है और लाइट ऑन करूँगी अभी, ज़्यादा लाइटिंग नहीं है बाहर का, सो लाइट ऑन करना पड़ेगा तभी झाड़ू लगा सकती हूँ, और उसको उठा नहीं सकती इतनी जल्दी, क्योंकि अभी बजा है 7 बजा है, सो उठाऊंगी तो गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए नहीं उठा रही हूँ, इसीलिए पहले बर्तन और किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसको जाके उठाऊंगी और झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि वो इतना जल्दी उठता नहीं, वो उठता है 8 बजे, फिर भी मैं आज जल्दी उठाने वाली हूँ उसको, फिर इसीलिए गुस्सा करेगा पता नहीं क्या। सो पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाके सिद्धू को उठाऊँगी, उसके बाद बेड क्लीन करूँगी, क्लीन करने के बाद झाड़ू, फिर पोछा। तो स्नान का काम हो चुका है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बाकी काम का करना पड़ेगा मुझे। सो गाइस मेरा बर्तन का और किचन का काम तो हो चुका है, अभी जा रही हूँ, और देखिए मैं हॉल में आ चुकी हूँ और सिद्धू को उठा दिया ऑलरेडी, और वो अभी उठा है। सो उठने के बाद उसको अभी भी देखिए कैसे हो रहा है, उसको नींद अभी भी है आँख में, और उठता नहीं इतना जल्दी, वो उठता है अभी 7:30 बजा है, वो उठता है 8 बजे, 8 बजे के बाद उठता है। तो मैंने बोला मैं ब्लॉग बना रही हूँ, जल्दी जल्दी उठ जा, काम भी है, जल्दी उठ गई तो काम भी करना पड़ेगा, बैठी नहीं रह सकती, घर का काम पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। सो इसीलिए काम ख़त्म करूँगी और कुछ शॉर्ट्स बनाना है इसीलिए। तो ये बेडशीट नहीं, ब्लैंकेट है ये, सो ब्लैंकेट वगैरह क्लीन करके रख रही हूँ, और वो एक बार उधर सो रहा है एक बार इधर सो रहा है, उसको अभी भी नींद है आँख में, इसलिए वो ऐसे हो रहा है, वो उठ के बेड में ऐसे ही हाफ एन आवर पड़ा रहता आधा घंटा। सो मैं एक करने के बाद अभी झाड़ू लगाने जाऊँगी, और झाड़ू लगाना शुरू कर चुकी हूँ, किचन का ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अभी मैं हॉल में आई हूँ और हॉल में झाड़ू लगा के उसके बाद पोछा करूँगी। और सिद्धू अभी जाएगा ब्रश करने के लिए, मैंने बोला जल्दी जल्दी ब्रश कर ले और जल्दी जल्दी स्नान कर ले, तो वो बोला है मैं इतनी जल्दी स्नान नहीं करूँगा, क्योंकि मॉर्निंग वो इतनी जल्दी नहीं करता है, जब घर पे रहता है जल्दी नहीं करता है, स्कूल जाता है तो जल्दी जल्दी कर लेता है, और घर पे होता है तो उसको स्नान जल्दी करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। सो गाइस मैं झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद नहीं, मेरा काम ख़त्म हो चुका, मतलब हो गया, हो जाएगा, और कुछ भी काम नहीं रहा, किचन का तो हो गया है, और अभी मैं पोछा ऑलरेडी किचन में लगा चुकी हूँ, मैं किचन में नहीं दिखाई क्योंकि उधर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है, और कैमरा लेके कौन घूमेगा, कोई नहीं है घर पे, सिद्धू बाथरूम में है और कोई नहीं है, तो एक ही जगह रख के मैं कर रही हूँ, तो किचन का लाइटिंग नहीं है, इसलिए मैं हॉल का ही दिखा रही हूँ, और पोछा करूँगी, और स्नान करने के बाद ये सब कुछ काम करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम होता है तो कर लेती हूँ ऐसे ही। सो आज कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं स्नान से पहले सब कुछ ख़त्म करके ही स्नान करने के लिए जाती हूँ, और आज कपड़े नहीं हैं धोने के लिए, कपड़े ऑलरेडी मैंने यस्टरडे धो दिया है, सिर्फ आज का जो स्नान किया है वही है, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं धोने के लिए, और पोछा लगा के बाथरूम थोड़ा सा क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, सिद्धू ब्रश करके आ जाएगा, उसको गर्म पानी करना पड़ेगा वो स्नान के लिए। सो गाइस मेरा हो चुका है। सो गाइस आपने देखा मेरा मॉर्निंग का काम, और आज का टॉपिक आपको पता है, थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल चुका है कि क्या है आज प्रॉब्लम हुआ है, मतलब पहले नहीं एक बात बोल देती हूँ कि
मैं ठीक से अभी तक मतलब 10 दिन से कुछ ठीक से शॉर्ट्स और वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मेरा एडिटिंग भी ठीक नहीं हो रहा है, आप लोगों को पता है। पहले जैसे होता था ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एक लास्ट हैंकी टक वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है। सो उस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक न्यू मोबाइल ले लेते हैं, और एक्सचेंज करके लेना था मोबाइल। जिस मोबाइल से मैं अभी शूट कर रही हूँ उसी मोबाइल को एक्सचेंज करके लेना था। तो हमने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट में। और उससे पहले और एक बात बोलती हूँ, मेरा जो लास्ट 5 वीडियो है ना, वो मेरा मोबाइल से शूट किया नहीं है, और एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, अपलोड मेरा मोबाइल से कुछ भी नहीं हुआ है, वो मेरे हस्बैंड के मोबाइल से हुआ है। सो इस वजह से ऐसा है, एडिटिंग ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि उनके मोबाइल में मेरा जो भी चाहिए, जैसे मेरा इंट्रो वगैरह था तो नहीं था उनके मोबाइल में, और मैंने डाउनलोड भी नहीं किया था, मेरा मोबाइल पे ही था, और मैंने मेरा मोबाइल को रीसेट करके रखा था। सो गाइस, उस मेरे हस्बैंड के मोबाइल से ही काम हो रहा था, तो ठीक से कुछ भी नहीं बना पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया था मोबाइल, ओप्पो ऑर्डर किया था, F19। सो उन्होंने टाइम दिया था कि डेट दिया था 3 दिन के अंदर आ जाएगा मोबाइल। सो ये हुआ था 10 दिन पहले, और 10 दिन के मतलब 3 दिन के बाद मोबाइल नहीं आया। सो ऐसे ही प्रॉब्लम होता रहा 10 दिन तक। 10 दिन के बाद मोबाइल आया, बहुत कॉल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मोबाइल आया। और मोबाइल आने के बाद मेरा जो अभी शूट कर रही हूँ ना, जो पुराना वाला मोबाइल, अभी जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, उस मोबाइल में थोड़ा सा क्रैक है, मतलब थोड़ा सा फटा हुआ है। सो वो फटा हुआ देख के उन्होंने बोला इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 1,350 रुपीज़ लगेगा। सो मेरे पास तो था, मैं दे देती, लेकिन मुझे तो पूछना पड़ेगा ना मेरे हस्बैंड से, तो मैंने उनको पूछा। सो वो उनके भतीजों को कॉल कर रहे थे, क्योंकि उसी के मोबाइल से ऑर्डर हुआ था, तो उनको कॉल कर रहे थे, मैं उनको कर रही थी। ऐसे करते करते वो डिलीवरी बॉय आया था ना, उन्होंने बोला आप डिसाइड करो, मैं कल आता हूँ। सो मोबाइल नहीं दिया और चला गया। और नेक्स्ट हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि कब आएगा, तो बोला नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे आएगा। कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो उसने भी बोला कि आ जाएगा आपका 31 मई के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो 10 दिन के बाद मोबाइल आया और फिर ऐसे प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद जो फ्लिपकार्ट का स्टोर होता है ना, हब होता है, तो हब में आके रहता है, वहाँ पे जाके आप लेके आ सकते हैं। उन्होंने जो डिलीवरी बॉय था उनको कॉल करके पूछा कि उन्होंने बोला कि ये हब में ही है, उन्होंने भी नहीं कुछ नहीं बोला कि प्रॉब्लम हो सकता है। गाइस, मेरे भतीजा वो जाके हब में पूछा, तो उन्होंने बोला मोबाइल स्कैन होके एक बार निकाल के फिर वापस आया तो दोबारा स्कैन नहीं होगा, और हम वो मोबाइल नहीं दे सकते हैं, आप कैंसिल करके फिर से ऑर्डर कीजिए। सो उन्होंने नहीं दिया मोबाइल, और वापस आ गए घर, फिर कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करके करने के बाद पहले पहले नहीं, फ्लिपकार्ट में होता था कि इमिडिएटली पैसा वापस आता था, इस बार अभी तक पैसा वापस नहीं आया। मतलब हम लोगों ने कैंसिल किया यस्टरडे, आज सैटरडे है, मतलब फ्राइडे कैंसिल किया है। अभी तक पैसा वापस नहीं आया। उन्होंने बोला है, हम लोगों ने कॉल किया था कि 2 जून के अंदर आपका पैसा वापस हो जाएगा। गाइस, प्रॉब्लम यही है कि अभी तक पैसा वापस नहीं आया, मोबाइल भी नहीं दिया है। बाद में क्या होगा पता नहीं, और हम लोगों ने दूसरा मोबाइल ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि ऑर्डर नहीं किया है क्योंकि इस प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम हुआ है अभी, उसके बाद ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ये मोबाइल है नहीं, ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस मोबाइल से मेरा काम नहीं हो रहा है ठीक से, इसीलिए लेना तो पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी, एक मोबाइल आएगा, न्यू मोबाइल आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर ये प्रॉब्लम हो गया। मतलब पैसा कब वापस आएगा, क्या होगा पता नहीं,
कोई टेंशन है कि जल्दी आ जाए पैसा वापस तो अच्छा रहेगा। सो गाइस, मुझे लगा ये बात मैं आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं किया था। सो मुझे लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब 10 दिन तक वेट किया, आप लोगों से शेयर नहीं किया, बाद में ये प्रॉब्लम हो गया, मतलब सॉल्व भी नहीं हुआ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया। सो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया था, जब देखा कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, सॉल्व नहीं होने वाला है, सो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था, तो इसीलिए आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। सो गाइस, आप सपोर्ट कीजिए इसी, मतलब इस सिचुएशन में, कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब काम होता है फिर मेरा काम रुक जाता है। मैं गांव चले गई उस टाइम पे ठीक से काम नहीं कर पाई, फिर वापस आई फिर मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया, फिर ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सो आप प्लीज़ मेरे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ रहिए। सो गाइस, आज का ब्लॉग नहीं, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बोलना कैसा लगा, क्या है क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय बाय।